वेलकम टू आई अल्फा टीवी। और आज हम बात करने वाले हैं टी शर्ट की। आज हम उन टिप्स के बारे में बात करेंगे कैसे एक टी शर्ट आपका लुक चेंज कर सकती है, आप मस्कुलर दिख सकते हैं, आप ज्यादा स्मार्ट दिख सकते हैं। तो हम लोग जिम जाते हैं और बॉडी बनाते हैं, और हमें से कई लोग अच्छा दिखने के लिए बॉडी बनाते हैं। मैं जानता हूं मेरे कई सारे फ्रेंड्स प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग भी कर रहे हैं, कंपटीशन की तैयारी भी कर रहे हैं, पर आज हम बात करेंगे फिट दिखने की, अच्छा दिखने की, स्मार्ट दिखने की। आज हम बॉडी बिल्डिंग टिप्स की बजाय और सप्लीमेंट इंफॉर्मेशन की बजाय बात करते हैं कैसे फिट दिखना है। तो सबसे पहला पॉइंट है राइट फिट। सो यहाँ दो टाइप की टी शर्ट्स आती है मार्केट में, मसल फिट और क्लासिक फिट। तो हमें से ज्यादातर लोग आई थिंक मसल फिट टी शर्ट की तरफ ज्यादा झुकाव होगा, ज्यादा पसंद करेंगे। क्लासिक फिट होती है थोड़ी ढीली ढाली सी टी शर्ट जो जनरली हम कॉलेज में पहनते हैं जब हम काफी पतले या थोड़े मोटे होते हैं। तो मसल फिट टी शर्ट की अगर बात करें तो हमें देखना है कि कहाँ से ये फिट है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है फिटिंग के। शोल्डर्स, बाइसेप्स, आपकी नेक, आपकी लेंथ, तो ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो शोल्डर्स की बात करें तो शोल्डर्स के ऊपर ये यहां से फिट होनी चाहिए, यहाँ पे इसका जो कि शोल्डर एग्जैक्ट प्लेस के ऊपर इसका कट आना चाहिए। देन आपकी बाइसेप्स, आपकी बाइसेप्स पे फिट होनी चाहिए। अगर आपकी बाइसेप्स बड़ी नहीं है और आपको अपनी राइट फिट नहीं मिलती है बाइसेप्स की, तो आप इसे फोल्ड कर सकते हैं। कई लोगों को आपने दिखा होगा कि ये फोल्ड कर लेते हैं, जनरली जो छोटे बच्चे होते हैं मतलब कॉलेज के यंगस्टर्स जिनकी बाइसेप्स बड़ी नहीं होती है तो फोल्ड कर सकते हैं, वो भी काफी कूल लगता है। उसके अलावा टी शर्ट की लेंथ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी हिप बोन को टच करती भी होनी चाहिए। आपकी टी शर्ट की लेंथ छोटी नहीं होनी चाहिए। आपने सपोज किया आपने टी शर्ट टाइट दिखने के लिए आपने छोटी टी शर्ट ले ली, लेकिन वो लेंथ में छोटी है तो वो आपकी अच्छी नहीं लगेगी। अब बात कर लेते हैं कलर की। सो कुछ स्टैंडर्ड इंटरनेशनल कलर्स हैं जो सारे बड़े सेलिब्रिटीज पहनते हैं, और आपने देखा होगा बॉडी बिल्डर्स और हीरो, हमारे जितने भी बॉलीवुड के हीरोज हैं कुछ जनरल कलर्स पहनते हैं, व्हाइट, ग्रे, नेवी ब्लू, ब्लैक, ये सब स्टैंडर्ड कलर्स हैं। ये आपके पास आपके वार्डरोब में जरूर होने चाहिए। अब डिपेंड करता है आपके स्किन टोन पे कि कौन सा कलर आपको सबसे ज्यादा सूट करेगा, तो आप उसको बार बार रिपीट कर सकते हैं और इसमें कोई हर्ज नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है फैब्रिक। आपने कई सारे लोगों से सुना होगा कि जो फैब्रिक है कॉटन होना चाहिए या स्वेट जो ड्राई ड्राई फिट होता है वो होना चाहिए। आपने कई जगह वेबसाइट्स पे पढ़ा होगा, पर मेरे हिसाब से यहाँ कुछ मेरा आइडिया अलग है। इंडिया एक बहुत बड़ा कंट्री है और बहुत सारे डिफरेंट स्टेट्स हैं, डिफरेंट वेदर है। अगर मैं दिल्ली में हूँ तो मैं कॉटन प्रेफर करूंगा क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है। बट ऑन द अदर हैंड अगर मैं साउथ में चला जाऊँ जहाँ हम समुद्र के किनारे रहते हैं तो वहाँ ड्राई फिट अच्छा चल सकता है क्योंकि आपको बार बार पसीना आएगा और बार बार वो सूख सकता है। तो आप किसी एक स्टैंडर्ड चीज के पीछे मत भागिए। जहां आप रहते हैं ठंड में रहते हैं तो आपको शायद फुल स्लीव टी शर्ट पहननी पड़े, तो आप अपने स्टेट के अपने वेदर के हिसाब से फैब्रिक चूज करें। अब दोस्तों एग्जांपल यहाँ पे ये देखिए, टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है बहुत अमेजिंग फिट है, और ये मैंने अपने घर के लोकल, घर के पास जो लोकल स्टोर है होम टाउन के पास वहां से परचेज करी है, और इसकी फिटिंग काफी अच्छी है, इसका स्टाइल काफी अच्छा है। तो यहाँ पॉइंट ये है कि एक टी शर्ट वन काफी चेंज ला सकती है आपकी बिल्ड में, आपकी बिल्ड को काफी निखार सकती है। और दूसरा ये कि जरूरी नहीं है कि वो ब्रांडेड हो। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है एक्सपेरिमेंट। सो एक्सपेरिमेंट कीजिए। अगर आप पिछले 5 साल से एक ही टाइप की टी शर्ट पहन रहे हैं तो कुछ नया ट्राई करिए, कलर्स में, स्टाइल में। जैसे वी नेक आप ट्राई कर सकते हैं, थोड़ी लॉन्ग लेंथ जो आपकी आर्म्स की होती है वो ट्राई कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट करिए, और अगर कोई चीज अच्छी निकल के आ जाए तो उसको बार बार आप पहन सकते हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, वो है वी नेक टी शर्ट्स। सो वी नेक टी शर्ट्स बहुत स्टाइलिश दिखती हैं। अगर आपका कोई स्पेशल ओकेजन हो, कहीं स्पेशल आपको पार्टी में जाना हो, तो आप एक या दो अच्छी वी नेक टी शर्ट्स अपने पास अपने वार्डरोब में रख सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, अपने स्किन टोन के हिसाब से टी शर्ट पहननी है, और अगर आप ग्राफिक टी शर्ट्स लेते हैं, ग्राफिक टी शर्ट आपको पसंद है, तो थोड़ा ये ध्यान रखिए कि थोड़ी ज्यादा वियर्ड ना हो, उसके मैसेजेस ज्यादा ओवर बोल्ड भी ना हो, बहुत ज्यादा ग्राफिक्स भी ना हो उसके अंदर। ये मेरा सजेशन है, बाकी आपकी अपनी मर्जी है। तो दोस्तों चाहे आप बॉडी बिल्डिंग कर रहे हो, हेल्दी लाइफस्टाइल जी रहे हो, फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर हो, फिटनेस मॉडलिंग की तरफ आगे बढ़ रहे हो, बट ओवरऑल यू शुड लुक शार्प एंड स्टाइलिश इन दिस प्रोसेस, इन दिस जर्नी। यू शुड लुक बेस्ट इन योर करंट बॉडी। तो इसके लिए ये थी मेरी टिप्स, ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।
और मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।